संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज के 142वें प्रकट दिन पर शेगांव में अथाह जनसागर उमड़ा। प्रकट दिन के एक दिन पहले से ही सैकड़ों डिंडियों के साथ हजारों वारकरी शेगांव पहुंचना शुरू हो गए थे। शनिवार 15 फरवरी को संत श्री गजानन महाराज का 142वां प्रकट दिन उत्साह से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रकट उत्सव की तैयारियां शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर संस्थान द्वारा की गई। प्रकट दिन के एक दिन पहले से ही हजारों श्रद्धालु शेगांव पहुंचे थे। श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन को देखते हुए मंदिर संस्थान को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्री के प्रकट दिन पर राज्य भर से करीब 800 भजन डिंडिया और 30,000 वारकरी शेगांव में पहुंचे। संत श्री गजानन महाराज के भक्त केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी है। श्री के 142वें प्रकट दिन पर गजानन महाराज संस्थान द्वारा यहाँ आने जाने वाले वारकरियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। 14 फरवरी की दोपहर से ही शेगांव में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर संस्थान द्वारा चाय नाश्ता फराल व महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। शेगांव में श्री गजानन सेवा समिति द्वारा 14 और 15 फरवरी को अखंड महाप्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ लाखों लोगों ने लिया। शेगांव के संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन को देखते हुए पूरे शेगांव को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया है। गण गण गणात बोते की स्वर लहरियां पूरे वातावरण में गूंज रही है। दोपहर के समय श्री गजानन महाराज की पालकी नगर परिक्रमा के लिए निकली थी।